नवरात्रि के पर्व के शुभ अवसर पर दो दिवसीय दांडिया कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अयोध्या में नवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दो दिवसीय महिलाओं का दांडिया कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुंबई, दिल्ली, पंजाब, लखनऊ व शहर की महिलाओं ने दांडिया कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलता है। वहीं कार्यक्रम का आयोजनकर्ता ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर हम लोग खुशी मनाते हैं, इसी अवसर पर हम लोग दांडिया का कार्यक्रम माता मरी माता मंदिर पर हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस वर्ष ये कार्यक्रम होटल में आयोजित किया है। ये दो दिवसीय महिलाओं का कार्यक्रम है जो 8 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 9 अक्टूबर तक चलेगा। हम लोग राम अयोध्या होटल में आए थे, यहाँ 2 दिवसीय डांडिया का प्रोग्राम रखा गया था। हम लोग यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हम लोग यहाँ होटल में आए थे और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आए थे डांडिया करने, बहुत बहुत अच्छा लगा और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। दो दिवसीय कार्यक्रम है, कल का क्या, कल ही आएंगे हम लोग और बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सब लोगों को। नवरात्र का पर्व का है, पहले मणि माता मंदिर में होती थी, अब हमारे अपनी शाल हमारे अयोध्या में यहाँ हुआ है, रामोदय होटल पे हमारी। मैं किन्नू ठाकुर, मैं प्रोग्राम रखाई हूँ नवरात्र के उपलक्ष्य में, जो 9 देवी आती हैं उसके हम लोग खुशी मनाते हैं। और बाहर बाहर से लोग आए हैं यहाँ, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, गुजरात है, महाराष्ट्र से है, क्योंकि यहाँ गरबा जो है यहाँ का ही है, मतलब गुजरात की है, राजस्थान की है, यहाँ की नहीं है। तो सोच रहे हैं कि जितने भी लोग हो पाए आए यहाँ, हमारी स्वागत है उनको हमारे होटल पे। न्यूली ओपन होटल रामोदय है और यहाँ की व्यवस्था सारी बहुत अच्छी है। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यहाँ डांडिया नाइट का आज शो है जो कि बहुत ही अच्छा है, और आज भी है, कल भी है, कल भी हम लोग आएंगे, और ये बहुत ही अच्छा होटल है, प्लीज विजिट करिए, और मेरे तरफ से 10/10 रेटिंग है। मेन मोटो ये है कि ये हमारा होटल है, होटल रामोदय इन, राम जी के नाम पे बना हुआ है, हमने राम जी के नाम से ही, जो कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मभूमि पर निवास कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने इस होटल का नाम रामोदय इन रखा है। बहुत ही यूनिक नाम हमने रखा है। और हर साल मरी माता मंदिर पे डांडिया प्रोग्राम होता था, किसी वजह से इस बार वो नहीं हो रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में हमारी माता जी के नेतृत्व में ये 2 दिवसीय डांडिया प्रोग्राम रामोदय इन होटल में हमने ऑर्गेनाइज कराया। हमने जितना अपेक्षा नहीं किया था उससे भी ज्यादा हमको प्यार मिला है। लोग बाहर से, कुछ लोग गुजरात से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग बिहार से आए हैं, अम्बेडकर नगर और कई जिलों से हमारे यहाँ लोग आए हैं। और यहाँ पे पहले दिवसीय में तो हमारे यहाँ जो कम से कम हमने सोचा 60 लोग की ऑक्यूपेंसी हमने रखी थी कि 60 लोग की भीड़ होगी, 200+ महिलाएं हैं। और 9 तारीख को जो हमने प्रोग्राम रखा है इसमें जो है हमने बाहर से राजस्थान से एक टीचर मैम को बुलाया है जो कि यहाँ पे डांडिया प्रैक्टिस लोगों को कराएंगी, उनको जो बच्चे एग्रेसिव हैं, जो चाहते हैं कि डांडिया करना और सीखना उनको नहीं आता, उनको स्टेप बताएंगी। क्या कहेंगे आप, एक अवसर है जी, नवरात्रि का अवसर है, इसी के उपलक्ष्य में माता रानी की कृपा से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हमने आज यहाँ 2 दिवसीय डांडिया प्रोग्राम रखा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह बॉस है। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।